कि हमारा किचन जो है ना, यानी बर्तन भी सारे भीग रहे हैं, आटा भी भीग रहा है, और ये देख सकते हैं आप चूल्हा भी भीग रहा है, तो हम ना चूल्हे पे कपड़ा डाल देते हैं। तो बारिश के मौसम में या बारिश में जो है ना, अल्लाह ताला ना दुआएं कबूल करते हैं। मैं आप सबके लिए और अपने लिए दुआ करती हूँ। आपको पता है मैं अल्लाह ताला से बातें करती हूँ कि कब मेरा चैनल ग्रो होगा, कब मेरे अच्छे व्यूज़ आएंगे, कब। और सितारा आप ही हैं माशाल्लाह से, उनका भी इतना बड़ा चैनल है, इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आबाद रखे और बुराइयों से बचा के रखे। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है और बारिश का मौसम क्या हो रहा है, बारिश आ रही है, आप लोग भी बारिश एंजॉय कर रहे होंगे, हम भी बारिश एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में। बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं हमारा घर पूरा भीग गया है और हमारा किचन भी भीग गया, बर्तन वगैरह चूल्हा भी भीग रहा है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ना इसके सर पर ना छत नहीं है, यानी इसका पर्दा मैंने आपको बताया था जल गया था, तो इसलिए हमारा किचन भीग रहा है। तो दोस्तों मैंने सुना क्या है, मुझे पता है कि बारिश के मौसम में या बारिश में जो है ना, अल्लाह ताला ना दुआएं कबूल करते हैं। मैं आप सबके लिए और अपने लिए दुआ करती हूँ। आपको पता है मैं अल्लाह ताला से बातें करती हूँ कि कब मेरा चैनल ग्रो होगा, कब मेरे अच्छे व्यूज़ आएंगे, कब यूट्यूब की इनकम आएगी, तो बस मैं दुआ करती रहती हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगी, अल्लाह ताला छोटे यूट्यूबर्स जो जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके मतलब उनका चैनल कामयाब करे और हर परेशानी से बचाए, हर दुख तकलीफ से बचाए। ये दुआ करती रहती हूँ कि कब मतलब हमारा अड्डे से कब जान छुटेगी। बस अड्डा बनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है वैसे तो, लेकिन या अल्लाह पाक जल्दी से मेरा चैनल कामयाब हो जाए। तो मैं दुआ कर रही हूँ बारिश के मौसम में, इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल होंगी। दोस्तों आप लोग भी अपने लिए दुआ कीजिए, आपकी भी दुआएं कबूल होंगी। और सितारा आप ही हैं माशाल्लाह से, उनका भी इतना बड़ा चैनल है, इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आबाद रखे और बुराइयों से बचा के रखे। देखिए हमारा किचन जो है ना, यानी बर्तन भी सारे भीग रहे हैं, आटा भी भीग रहा है, और ये देख सकते हैं आप चूल्हा भी भीग रहा है, तो हम ना चूल्हे पे कपड़ा डाल देते हैं तो उस पर जंग आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारा चैनल ग्रो जाए, ताकि हम अपना नया किचन बना सकें। आप देख सकते हैं हमारा पर्दा सारा जल गया था, तो इसलिए हमारा किचन बिल्कुल ऐसा हो गया। देख सकते हैं मैंने चूल्हे पे कपड़ा ढक दिया, तो अब हम चलते हैं जानवर के पास, देखेंगे उन्हें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी उनसे उन्हें सर्दी से बचाने या कुछ भी। तो दोस्तों अगर हमने इन्हें सर्दी से नहीं बचाया तो मर सकते हैं। और दोस्तों अफसोस की बात यह है कि जैसा कि बारिश आ रही है, ये तो हमारे बेरी का पेड़ है उस पर भी लग रहे हैं, तो हमारे बेर फट जाएंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा अफसोस मेरी नानी को है, नानी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अब नानी आएंगी तो हम आपको उनसे मिलवाएंगे, तो इतने में हम चलते हैं जानवर के पास। नानी आ गई है तो जी नानी आपको बहुत अफसोस है बेर फट जाने के लिए, है ना? ना पूरा साल में इंतजार कर दूं, इसमें बेर लगेगा, मगर अब बेर लगा तो बारिश शुरू होगी और बारिश में सब बेर फट के खराब हो जाएगा जी। तो इंतजार कर दूं बेर लगे, मैं अपना बेटियों को बांटू, मोहल्ला में बांटू, सबको बांटू। सबसे पहला तो मैं मस्जिद में देती हूँ बेर। फबिया जो है कोचिंग से आ गई है बारिश में और सर्दी में, सर्दी लग रही है, कुछ पहना अभी तो नहीं है ना, जाओ स्वेटर पहनो, जाके कंबल में। हमारे जानवर है, हमने सर्दी से और बारिश से बचाने के लिए इन्हें स्वेटर पहनाया है। और देखे नानी कपड़ा खा गए, तो नानी देखे नानी ने इन्हें स्वेटर वगैरह पहनाए, और ये देखे हमारी बड़ी बकरी ने भी पहना है। सब सेटिंग कर दी है अपनी बकरी वगैरह भी, मतलब उनको अच्छी तरीके से सेफ कर दिया बारिश से बचाने के लिए और सर्दी से बचाने के लिए। तो अब उस तरफ भी हमारे कबूतर है, उनको भी ध्यान में रखना है, उन्हें भी देखना है कि सर्दी ना लग जाए, कहीं उन्हें मर भी जाते ना जानवर ना, तो उन्हें सर्दी ना लग जाए या बारिश का पानी खतरा तो नहीं है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी टीन की चादरें आपने देखी हुई है, आप देख सकते हैं हमारी सारी टीन की चादरें हैं, अगर इसमें से कहीं भी आगे पीछे हुई भी हो तो हमें उसको भी सेट करना, नहीं तो पूरी रात हमारी बेकार हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि टीन की चादर आगे पीछे हुई भी होगी तो हमें ये सारा पानी अंदर जाएगा, आप देख सकते हैं ये आगे पीछे हो रही है, इससे सारा पानी जो है ना अंदर जाएगा, फिर हमारा पूरा घर भीग जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम अच्छा सा घर बनाएं। वैसे हमारा घर तो यकीनन बनेगा, मेरी नानी बनाएंगी वो, इसलिए क्योंकि मेरे मामू की शादी भी करनी है ना नानी ने, तो शादी वगैरह करने के लिए तो घर तो बनाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारा जल्द से जल्द घर बन जाए और टीन की चादरों से जान छूट जाए। तो चले हम दोस्तों हम चलते हैं अपने कबूतर के पास, देखेंगे उन्हें सेफ वगैरह करें। तो दोस्तों हम आ गए इस तरफ, तो देखिए हमारे कबूतर जो है
अभी ने सेव करना है। देखिए यहाँ से दिख रहे हैं, और ये देखिए इसके इधर भी टीन के साधन है। वैसे तो ऊपर से तो पानी नहीं जाएगा, लेकिन साइडों से पानी जा सकता है। तो अब हल्की मतलब बहुत हल्की हो गई है बारिश, तो हमने ना कबूतरों को खाना नहीं खिलाया था, तो मामू आ गए, वो कबूतरों को खाना खिलाएंगे। हमने तो ऐसे बंद कर दिए थे कबूतर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे चार कबूतर भाग गए थे, मामू ने खोले थे तो वो उड़ गए थे, वो दोबारा वापस नहीं आए। लेकिन अभी जो हमने जो ना उनको पक्का ट्रेन कर दिया, यानी हमने एक बार उड़ा के देखे तो वो दोबारा हमारे पास आ गए थे हमारे कबूतर। तो आप देख सकते हैं हमने कबूतर खोल लिए, तो ये हमारी छत पे जाके बैठ गए पानी में। उड़ा रहा हूं। तो चले हम ये कपड़ा रखा है, हमने फिर से ढक देते। तो दोस्तों आप सोचोगे कपड़ा काला काला और गंदा कैसे आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मेरे मामू की जो है ना मैकेनिक की दुकान है, तो वो उनकी दुकान पे रखा हुआ था। तो चले ये कपड़ा ढक देते। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमने कबूतर वगैरह ढक दिए, तो अब हम चलते कमरे में देखेंगे कि हमारी टीन की चादर है कहीं से अनबैलेंस तो नहीं हुई, नहीं तो फिर पानी आएगा। तो आइए हम चलते हैं कमरे में। नानी और ये सब बच्चे मिलके जो है आलू छील रहे हैं, सालन बनाने की तैयारी हो रही है। और दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं अपनी टीन की चादर है। तो दोस्तों देखिए कहीं से पानी आने का खतरा लग रहा तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। टीन की चादर अभी तक तो सेट है, आप देख सकते हैं कहीं से खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ से खतरा है क्योंकि देखिए ये झुकी हुई है ना, यहाँ से टूट रही है टीन की चादर। तो ना नहीं बोल रही है इधर से पानी आने का खतरा, वैसे इधर से पानी आता है और बाकी कहीं से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पानी नहीं आता है, अल्लाह का शुक्र है। सब चीजें अपने जानवर भी ढक दिए और वो अपनी टीन की चादर वगैरह भी देख लिए, तो सब चीज सेट है अल्लाह का शुक्र। सब चीज हमने ढक दी है, मतलब सारा इहतमाम कर लिया, लेकिन हम इसको तो भूल ही गए थे, हमारी चीनी मुर्गियां देखे ये खुली हुई है, तो ये भी ढक गई है। तो चले दोस्तों अब हमने दिन ही दिन में सारा काम तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन एक काम रह गया है यानी खाना बनाना, तो खाना भी बनाना है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नए ताज़े अगले फ्रेश व्लॉग में।